रिश्ते प्यार मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वहीं हैं जहाँ इन्हें आदर मिलता है। एक अच्छा विचार, जो लोग हमेशा सर उठा के चलते हैं उन्हें कभी सड़क पे गिरे पैसे नहीं मिलते। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, खमा गणेशा। मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 32 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, गाँव में लाइट इतनी बार आती जाती रहती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमना है कि बाएं। जिस गांव में खून नहीं निकलता तो ये समझ लेना ज्यादा कोई लागोड़ी है, बस चुली ओड़ो है। लाइफ में पैसा प्यार दोस्त सब आते हैं, पर टूटे हुए दांत नहीं आते। याद करते रहा करो कसम से, वरना हंसते हुए भी शर्माओगे। अर्ज किया है, मोबाइल फोन की लत का आलम ना पूछो गालिब, एक चौथाई जिंदगी तो स्क्रीन के ऊपर नीचे रगड़ने में गुजर गई। दो आलसी कम्बल ओढ़ के सो रहे थे तभी एक चोर आया और कम्बल लेके भाग गया। पहला आलसी पड़े पड़े बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दूसरा आलसी बोला रहने दे तब तक क्या लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। रमेश यारो पड़ोसी मर गयो, उसके घर पे गया और बोला बॉडी आ गई क्या, तभी बॉडी लेके एम्बुलेंस आ गई। तभी रमेश जी बोलियो लो बताओ कितनी उम्र है यानी। परवीन डूगे परवीन कहवा खिचड़ी बढ़ो के पुलाव, तो परवीनियो बोले तू पहले बढ़ा तो ले नाम पच राख लेवा। एक बार एक बूढ़ा घर के बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। एक शहरी आदमी आया और बोला ताऊ बीड़ी मत पिया करो, बीड़ी पीने से आदमी धीरे धीरे मर जाता है। ताऊ ने जोर से सुट्टा मारा और बोला हमें कौन सी जल्दी है मरने की, धीरे धीरे ही मरेंगे। मसीह कह डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी में कतो खर्चा आई, डॉक्टर कह 50,000। तो मसीह बोलियो अगर प्लास्टिक मैं दे दो तो, डॉक्टर पास गुस्से में बोलियो सारे पिघला के चिपका भी खुद लेना फिर। गाँव की छोरी पहली बार फोन ले रही, छोरी 10 रुपये रिचार्ज करायो, दुकानदार की 10 रुपये साथी मिलसी। तो छोरी के की बात करी 3 रुपये की जड़ूड़ी हमें दे दीजिए। मंदी की इम्तहा देखो, एक रेस्टोरेंट के बाहर लगा बोर्ड मेहरबानी करके अंदर पधारिए वरना आप और हम दोनों भूखे ही रह जाएंगे। तांत्रिक बोलता है बेटा तुझ पर एक चुड़ैल का साया है। तो रमेश जी बोले बाप जी मैं रापण मान दू ना, हमारी गर्लफ्रेंड है उन बारे में की बोले तो। आजकल को टाबर बीमार हो जावे जो डॉक्टर ने दिखावे, और एक मैं हाँ जी को दत्कार ठीक हो जाता। बाप बेटा ने कहवे अगर ससुराल वाला स्कूटर देवे नहीं तो कार मांग जे, कूलर देवे तो एसी मांग जे, घर देवे तो बंगलो मांग जे। जितेन छोरो कहवे पापा अगर वे छोरी देवे तो उनकी माँ भी मांग लू गई, और बाप खुशी मारे ब्रो सही क्यों। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो परमिणियो बोलियो घरवाली। मसरियो कहवे वो की कर, प्रवीणियो कहवे अब तो मैं 3-4 बार तो मनाउड़ ही पड़े। हंसते रहा करो चिंता करने के लिए बुढ़ापा आएगा। खतरनाक जोक, हंसते हंसते पागल हो जाओगे, इन वास्ते नहीं बोलू कटी पागल हो गया तो मार मत आ जाई। रमेश यो धापड़ी ने कहे थार पग कितना फूट रहा है, तो धापड़ी कहे तो मैं क्या करूँ। तो रमेश कहे क्या ये खूबसूरत पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते है क्या। तेन धापड़ी बोली हाय राम ये कौन सा तरीका निकल गया लड़की फंसाने का। मुन्ना और सर्किट, मुन्ना कहवे क्या कर ले रहा है सर्किट, तो सर्किट कहे भाई बल्ब पे अपने बाप का नाम लिख रहा हूँ। मुन्ना कहवे क्यों, तो सर्किट कहे भाई बाप का नाम रोशन करने का कि नहीं करने का। मुन्ना कहवे ये सर्किट ये डॉक्टर लोग पेशेंट को ऑपरेशन के पहले बेहोश क्यों करते है रे, तो सर्किट बोले भाई अगर ये पेशेंट लोग ऑपरेशन सीख गए तो डॉक्टर लोग की वाट लग जाएगी ना। सर्किट कहवे अपन ने कल सानिया मिर्जा से फोन पे बात की, तो मुन्ना भाई बोलता है अरे वाह क्या कहा उसने, उसने कहा मामू रॉन्ग नंबर है। मुन्ना कहवे शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो पति बोले एग्जाम क्लियर होने के बाद काम पड़ता है यार। हरियाणा के ताऊ ने गांव में चोरी कर ली, पंचायत सजा में गद्दा मत बैठा मुंडो कालो करन घुमाने रहो आदेश दियो। रास्ता में उन्होंने घर आयो ताई छत में तू देखो लगी, तो ताऊ बोलियो यू कही देखे है मने जान चाय चढ़ा चूल्हा माते 2-3 गले रही है चक्कर मारन आऊ। एक सच बात, केवल जोधपुर में ही रावण को जमाई माना जाता है क्योंकि मंडोदरी जोधपुर की थी, बाकी सब जगह जमाई को ही रावण माना जाता है। पति का बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी मायके चली गई यह कहकर कि अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके बोला जानू मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो और घर लौट के आ जाओ, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ा है मैं नहीं आऊंगी। तो पति बोलता है दिल वापस जोड़ लो और आ जाओ। तो बीवी ने पूछा तुम्हारे पास कोई गिलास है, तो उसने बोला हाँ है। तो बीवी ने कहा उसे जोर से जमीन पे पटको, भाई ने वैसे ही किया और गिलास जोर से जमीन पे मारा। अब बीवी बोली अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम जोड़ सकते हो क्या। पति ने जवाब दिया नहीं गिलास टूटे ही नहीं वो तो स्टील का था। बीवी बोली बड़े कमीने हो, शाम को आ जाना लेने के लिए।
हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, सिर पे बैठा के रखो तो जान बची रहेगी। मुन्ना कहे ये गांधी बाबू हर नोट पे हंसते काय को रहते। तो सर्किट बोले सिंपल है भाई, रोएगा तो नोट गीला हो जाएगा ना। सर्किट कहे भाई अमेरिकन राष्ट्रपति कहाँ रहता है। मुन्ना कहे धोबी घाट पे। सर्किट बोले धोबी घाट बोले तो। मुन्ना कहे इंग्लिश में बोले तो वॉशिंगटन टाउन। मुन्ना बोले हाय सर्किट। बापू बोले तो गांधी जी शर्ट क्यों नहीं पहनते थे। सर्किट बोले भाई बोले तो बापू भी उस टाइम के सलमान खान थे। कॉल करने वाले को फांसी दी जाएगी, मिस कॉल देने वाले को गोली मार दी जाएगी। तुम मत डरो, तुमने तो मैसेज भी नहीं किया। तुम्हारी तो आरती उतारी जाएगी, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। कोई बताएगा कि हवाई जहाज एवरेज कितना देता है। एक लेना था यार धनतेरस पे, कौन सा मॉडल अच्छा आएगा। महिलाओं द्वारा मेकअप धोने से पहले उनकी अंतरात्मा एक बार तो ये जरूर पूछती है आर यू श्योर वेन टू रिस्टोर डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स। पंडित जी से मेजबान ने पूछा पंडित जी क्या लोगे आप, हलवा लाऊं या खीर। पंडित जी बोले घर में कटोरी एक ही है की। रमेश यो आज मोटरसाइकिल बैठो पड़ गो अने खरोस तक नहीं आई। कई ठाक कुण उनवास से करवा चौथ रो व्रत रहा के रही। करवा चौथ रे दिन छोरे री मावा छोरे ने जबरदस्ती पानी पिला पिला चेक करियो कटी बॉयफ्रेंड तो नहीं है। होई तो ठा पड़ जाई। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो, और सड़क पर लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। आज की मॉडर्न बहुओं का नारा मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभालू, इश्क में दौलत सारी ना लुटा देना, मम्मी पापा के अरमान खाक में ना मिला देना, घर से मिले हैं सब्जी लाने के लिए पैसे, बाजार जाके किसी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज मत करवा देना। वो बोली तुम्हारी आंखें बड़ी सोनी है। मैं बोलियो ना पसंद आवे तो फोड़ दूं। भोले बाबा इतना सुख तो स्वर्ग में जाए पछे भी ना मिले, जितो सुख अब तेरी भक्ति करने में मिल रही है। ओ मुकेश यो तो ऐसी तैसी कर रखी है, इतना दिन गैप रहा। 31 मार्च बच पेपर की तैयारी करनी है पर इन्हें तो शर्मिज नहीं आवे, फिर इन्हों डाटा दिनों दिन आगे बढ़ा तो जा रही हो। स्टूडेंट कहे गुरु जी पानी पी रहा जाऊँ की। गुरु जी कहे मन कर रहा तो दारू पिया भले। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया, सारी लड़कियां देखते दीवानी हो गई। लड़के ने आते ही लड़कियों को कुछ बोला कि लड़कियां सारी बेहोश हो गई, सोचो क्या कहा होगा। थोड़ी जगह देना बहन जी झाड़ू लगाना है। अरे बेरोजगारी। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके दिल में और बसते हैं, मगर जिनके दिल में हम बसते हैं वो मौत को भी देख कर हंसते हैं। नमस्कार, हमारी कॉमेडी पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। PRG म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी हम लेकर आएंगे न्यू कॉमेडी शो का अगला भाग। नमस्कार।